अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे पहले तमाम के तमाम सरकारी मदारस आंध्रा में मिलने के बाद हमारी तालीम के साथ भी नाइंसाफी भी, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा ओपन किए गए, उस पर इम्पोर्टेंस दी गई, सरकारी स्कूलों को दबा दिया गया। आनेबल सीएम साहब ने इस साल ख़ास तौर से एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत अच्छे स्कीम्स ला रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े दवाखाने और स्कूल्स के लिए बहुत बड़ा बजट दिया है। तमाम MLOs को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है और जो DO मैडम को और डिप्टी DO अहदेदारों को कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके MLA से जिस तरह GHM से वाले बार बार मीटिंग करते हैं, उसी तरह डिप्टी DO भी MLA से मीटिंग करें और स्कूल जितने स्कूल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसका क्या कंडीशन, उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन देना है या क्लासेस बनाना है या रिपेयर करना है या बाथरूम्स बनाना है या पानी की सहूलत पहुँचाना है, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत पहुँचाना है, कंप्यूटर की सहूलत देना है, वहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है वो डिप्टी DO की जिम्मेदारी है, वो MLA से तवज्जो दिलाएँ और MLA के लेटर पर इमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुहैया किया जाएगा। देखिए साहब, उर्दू मीडियम तेलुगु मीडियम का दौर ख़त्म होगा, आदमी अपनी जबान को ज़रूर सीखना चाहिए, जिस तरह तेलुगु कंपलसरी है उसी तरह उर्दू भी कंपलसरी है, हम अपनी मादरी जबान को ज़रूर सीखना चाहिए मगर उस मीडियम में पढ़ना आगे उसका फ्यूचर नहीं है। देखिए, जब उर्दू मीडियम का फ्यूचर था तमाम हिंदू भाई भी उर्दू मीडियम में पढ़ते थे ताकि उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर हो या सरकारी मुलाजमत हो, मिलते थे। आज तेलुगु में भी नहीं मिल रहे, अंग्रेज़ी का माहौल चल रहा है जबान का, तो CM साहब ने इसलिए तेलुगु जितने स्कूल्स हैं उसमें भी अंग्रेज़ी मीडियम बनाने की बात की। हम अपने भाइयों से भी अपील करते कि मदर टंग की हिफाजत करना चाहिए, हमारी अपनी जबान की, चाहे जिस जो लोग जिस जबान को जानते हैं जिसकी जो मदर टंग है वो ज़रूर उसकी हिफाजत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है, जिस तरह पावर में हम सरप्लस हो चुके उसी तरह हमारे किसान रईतु बंधु रईतु बीमा स्कीम देकर उन्हें खुशहाल बनाएगा। हर सेक्टर में इस वक्त तेलंगाना ग्रीनरी के अंदर इंडिया में नंबर वन हमारे पास का, पानी के अंदर जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का बनाया गया किसानों को पानी, उसी तरह एजुकेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। आने वाले 2-3 साल के अंदर, 1 साल 2 साल में अल्लाह चाहे तो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, टीचर्स अपने स्कूल बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, IAS IPS अपने बच्चों को गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल को काफ़ी डेवलप करने का सेहरा उठाया गया। डेफिनेट CM साहब इस पर बहुत सीरियस है, जितना भी बजट हो उसे इस्तेमाल करते हुए स्कूलों को डेवलप किया जाएगा, अच्छे से अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। डिजिटल देखिए, ये जो आजकल जो कोरोना में डिजिटल चल रहे हैं या ऑनलाइन चल रहे हैं क्लासेस ऐसे नहीं रहेंगे, मगर जहाँ डिजिटल भी क्लासेस जरूर, जहाँ पर जितना उसके अंदर बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा ज़रूर ज़रूर सिखाया जाएगा। साहब ये तो टॉपिक अलग है, मैं जब इंक्वायरी करे बाद भी आपको जवाब दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है इसके ऊपर, मुझे फ़ोन पर बताया गया, मेरे बिल में मैं लोगों को बताया कि मुझे कंप्लेन दीजिए, कंप्लेन देंगे तो ज़रूर एक्शन लेंगे, यहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, अगर कोई गलती करता है तो ज़रूर उसके साथ ज़रूर उस पर तंबी की जाती है, अगर वाकई काबिल जुर्म है सज़ा की ज़रूरत है तो ज़रूर भी सज़ा दी जाती है, ऐसा किसी हाथ में लाठी नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में कलम दें, किसी के हाथ में लाठी नहीं इस्तेमाल ना करें, ये हमारी अपील है और हमारे CM साहब यही चाहते हैं, इसलिए फ्रेंडली पुलिस हमारी काम कर रही है, कहीं किसी जगह से कोई गलती होती है तो ज़रूर उस पर इंक्वायरी की जाए। कहाँ टीचर्स इतने ज़्यादा है, आप सुने तो ताजुब करेंगे,
जहाँ पे 10 बच्चे हैं वहाँ 20 टीचर आए, 20 टीचर है 10 बच्चे, तो जहाँ भी अब आगे इसको जैसा रिव्यू कर रहा है क्या जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को एक जगह किया जाएगा और जहाँ पर टीचर कम है वहाँ ज़रूर उसमें भर्ती की जाएगी, इंदर से ट्रांसफ़र किया जाएगा।